हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रीम जूलॉजी। ये जो था वो एचपीयू ने कंडक्ट किया था 2 मार्च 2022 को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी स्क्वीजेस थ्रू द पोर्स एंड कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डायपेडेसिस। ओके, कीमोटैक्सिस जो होता है वो होता है व्हेन समथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द केमिकल्स। पिनोसाइटोसिस आल्सो नोन एज द सेल ड्रिंकिंग। इसमें जो होता है वो सेल जो अपना फूड लेता है वो लिक्विड फॉर्म में लेता है। ऑप्शनाइजेशन जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टर्म है। जब कोई फोन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी ऑप्शन प्रोटीन्स होती हैं वो उस पर अटैच हो जाती हैं, ताकि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको पता लग सके ये हमारे पास फॉरन पार्टिकल है, इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर लेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोडेंट्स एंड लेगोमॉर्फ्स। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नॉट पूछा है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोटिब्यूल्स। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी सेल ऑर्गेनेल होती है, वो नहीं होती है साइटोस्केलेटन का पार्ट। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन मैमल्स गिव राइज टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोरियन। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, द डिटरमिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इट्स टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइलोजेनी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, जो विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बोलता है कि जो यूनिवर्स में जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। तो बाकी लॉ भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के। जैसे जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो बोलता है, अगर कोई दो बॉडीज जो होती हैं किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो वो तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन, नॉट सेल्सियस। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेवन जो क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनली। तो इसमें जो होता है वो राइट आंसर आई थिंक रफ ईआर होगा। इसमें दो ऑप्शन जो है वो गौर करने लायक है, जैसे फ्री राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और रफ ईआर भी हो सकता है। इन दोनों में से एक होगा, परंतु आई थिंक इट शुड बी रफ ईआर। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ द क्लास इंसेक्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज़ेरोप्टेरा। इसमें जो होती है सिर्फ एक फैमिली होती है और 30 स्पीसीज होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, हाउ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जिसे हम बोलते हैं गेट्स अफेक्टेड विद द इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। जब वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट रिप्रेजेंट्स evolutionary time through its branch span is known as। तो अगर सिंपल बोलें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रोनोग्राम। क्रोनोग्राम में जो ब्रांचिंग होती है वो बताती है हमें कितना जो इवोल्यूशनरी टाइम है वो जा चुका है। डेंड्रोग्राम जो हमारे पास होता है उसमें ब्रांचिंग की लेंथ का कोई रिलेशन नहीं होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फाइलोग्राम में जो होता है वो करेक्टर के बेस पे, ड्राइव्ड करेक्टर के बेस पे जो होता है वो ब्रांचिंग होती है। क्लेडोग्राम में भी ऐसा कोई स्केल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोनोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्यूरी। जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी दो यूनिट्स हैं वैसे देखा जाए तो, एक है बैकरल एंड एक है क्यूरी। तो क्यूरी को सी आई से डिनोट करते हैं, बैकरल को बी क्यू से। तो जो बैकरल है वो है इंटरनेशनल यूनिट और जो क्यूरी है वो है यूएस यूनिट, यूएस में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन इन द नर्व सेल ऑफ ह्यूमंस। द प्रोसेस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारे आयन जो पंप्स होते हैं या आयन चैनल्स जो होते हैं हमारे पास, वो दो तरीके से मेनली फंक्शन करते हैं। एक तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं और एक क्या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं आयन्स का। तो यहाँ पे जो है वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जा रहा है सोडियम आयन्स, तो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। तो इसका जो आसान सा आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिलेनोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय। तो मिलेनोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो हमारा सिक्रीट करता है पारस इंटरमीडिया। ठीक है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है हमारे पास। ठीक है, एक होता है पारस डिस्टेलिस, एक होता है पारस इंटरमीडिया, एक होता है हमारे पास पारस नर्वोसा। तो जो पारस इंटरमीडिया होता है वो सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, मिलेनोट्रोपिन। ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं हम इसे। और पारस जो नर्वोसा होता है वो होता है हमारे पास दो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन होते हैं वो इसके अपने नहीं होते हैं, ये होते हैं हाइपोथैलेमस के, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस होते हैं वो इन्हें सिक्रीट करते हैं, परंतु ये जो है यहाँ से रिलीज होते हैं पारस नर्वोसा से। और जो पारस डिस्टेलिस पार्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन, ACTH सिक्रीट करता है, फिर प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पारिस इंटरमीडिया। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन यूज्ड टू प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिग्रेशन। ये जो है वो स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, नाउ द स्टडी ऑफ डिजनरेटिव चेंजेस इन एजिंग इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेरोंटोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो हमारी स्टडी होती है वो बर्थ से लेके, बर्थ से नॉट बर्थ बट फ्रॉम कंसेप्शन से लेके डेथ तक होती है स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। पीडोलॉजी में जो होती है वो चाइल्ड की स्टडी करते हैं हम। क्रोनोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ टाइम। सो द राइट आंसर इज जेरोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमन ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स एंड लीवर। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, येलो फीवर और डेंगू। इसको जो होता है वो मॉस्किटो जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, और दोनों जो होती हैं वायरस से होती है। आपको पता है एलिफेंटियसिस होती है बुचरेरिया बनक्रॉफ्टियाई से,
वो भी वायरस नहीं है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो भी नहीं होता है वायरस से, वो होता है ट्राइपनोसोमा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्टी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड विद मैंडिबल्स एंड टू पेयर ऑफ लेग पर सेगमेंट, नेम द एनिमल। तो मेरा इंस्टेंस तो नहीं होगा, स्पाइडर भी नहीं होगा, सेंटीपीड और मिलीपीड से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मिलीपीड। मिलीपीड में जो होते हैं दो पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, सेंटीपीड में जो होता है वन पेयर ऑफ लेग्स होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। राइजिंग सी लेवल होती है, वर्सनिंग हेल्थ इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज स्टॉर्म फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी हो रही है, परंतु इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, लोफोफोर इज यूज्ड बाय एक्टोप्रॉप्स एंड ब्रांकियोपोड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर फीडिंग के लिए यूज करते हैं ये लोफोफोर। हमारी जो एमएचसी जीन्स होती हैं वो जो होती हैं किस क्रोमोसोम की आर्म पर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड टू स्टडी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए नाइट्रोजन। देखो, हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किए थे ताकि वो जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकें। तो उन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए थे, एक किया था सल्फर, एक किया था फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो था वो डीएनए के लिए यूज किया था इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और सल्फर जो था वो प्रोटीन के लिए किया था। परंतु यहाँ पे जो है कोई ऑप्शन ही नहीं है सल्फर का, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। क्योंकि अगर आप प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें क्या होता है, और एक NH3 होता है। तो N यूज कर सकते हैं हम एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू स्टडी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। और आपसे पूछे न्यूक्लियोसाइड, इसमें जो होता है वो फॉस्फेट नहीं होता है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस और सुगर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड में। क्वेश्चन नंबर 25, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द ब्रांच पॉइंट ऑफ अ क्लैडोग्राम दैट आर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स अबव द ब्रांच पॉइंट एंड आर नॉट प्रेजेंट एनी बिलो इट आर कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ड्राइव्ड कैरेक्टर्स। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेट्रापॉड्स का, तो यहाँ पे जो है वो ब्रांचिंग हुई, ये जो था वो एंसेस्टर था, यहाँ पे ब्रांचिंग हुई, तो यहाँ पे भी चार लेग्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी चार लेग्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें यही तो बोला है, शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म अबव द ब्रांच पॉइंट। ये ब्रांच पॉइंट यहाँ से ऊपर जो है वो शेयर्ड कर रहे हैं सभी ऑर्गेनिज्म, तो परंतु यहाँ से नीचे नहीं कर रहे हैं, जो एंसेस्टर है वहाँ नहीं है। तो इस ये जो हो वो ड्राइव्ड करेक्टर होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि एंसेस्टर में भी नहीं था, होमोलोगस करेक्टर्स भी नहीं है ये, और नोबल करेक्टर्स भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा ड्राइव्ड करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। ये तो 8th का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस इज द ग्राउंड सेंटर ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर यूबी रेडिएशंस। जो यूबी रेडिएशन होती है उससे क्या हमें मोस्टली खतरा होता है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज स्किन कैंसर, ऑप्शन नंबर बी।
Question number 28. Out of the following, dash number of sperm and ova will be formed from the 25 primary spermatocyte and 25 primary oocyte. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा, ऑप्शन डी। इसमें जो हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जो है हमारे पास ये 4 स्पर्म्स बनाता है, परंतु जो प्राइमरी ओसाइट होता है हर एक ओसाइट जो होता है वो सिर्फ एक ही ओवा बनाएगा, तो इसका आंसर होगा 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा। क्वेश्चन नंबर 29, एम्प्टी एनलार्ज्ड ग्राफीन फॉलिकल ऑफ ओबरी सीक्रेट्स। तो जो ओवुलेशन के बाद हमारे पास खाली ग्राफीन फॉलिकल बच जाता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो होता है हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। 30, एनाजेनेसिस इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज विद अ सिंगल एवोल्यूशनरी लाइन विदाउट ब्रांचिंग, ये एक फिनोमेनन है। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द डिवाइस विद विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइसेस, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, नियोनिकोटिनामाइड्स एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट थ्रू बाइंडिंग ऑफ द, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 33, What do you Wernicke's and Broca's region of the brain affect? क्या करते हैं? तो इनका जो function होता है वो होता है speech related, तो option C इसका right answer होगा। जो Wernicke's होता है वो हमारी speech की comprehension में help करता है और जो Broca's region होता है वो हमारे production में help करता है speech की। Question number 34, if C mean cleavage and the G mean gametogenesis, B mean blastula and F mean fertilization, then which of the correct order of their occurrence? तो सबसे पहले क्या होगा, gametogenesis होगी, ठीक है, gametes बनेंगे, तो सबसे पहले कौन सा option, gametogenesis, option C इसका right answer होगा। Question number 35, the smallest bone of human body are present in this, answer hoga ears, malleus, incus, stapes jo hoti hai wo smallest bone hoti hai, okay। Now question number 36, name the chemical synthesized by some sponges playing a role as an antibiotic। तो एंटीबायोटिक का तो पता नहीं है, एंटासिड जो होता है वो एज अ कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा होना चाहिए वो होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि स्पॉन्जिन जो प्रोटीन होती है वो अपने स्ट्रक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसका जो होता है वो स्ट्रक्चरल ज़्यादा रोल होता है स्पॉन्जिस में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो हमें बैक्टीरिया से मिलती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड इज, तो इसका ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था सीधा सीधा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, IgA जो होती है वो हमारे क्लस्टर में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वेट ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड, तो स्वेट ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, हेड नोट इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो होगा टेब्यूलेशन, जो हमारा हेड नोट होता है वो हमारे टाइटल के जस्ट नीचे होता है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, द
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी एंजाइम इन कोलेस्ट्रोल बायोसिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रोल बायोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी, तो आपने एक एंजाइम को भी पढ़ा होगा जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये 3-hydroxy-3-methylbutyryl कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सी वॉल राइट इफेक्ट इज ऑल्सो नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो क्या होता है, इसमें जो होता है वो किसी स्मॉल पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, उसकी जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी होती है डिफरेंट एलिल्स की वो चेंज हो जाती है, और वो बाई चांस होती है चेंज। इसमें जो होते हैं वो दो इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम, इसमें बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, अदर वन इज बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में जो होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म होती है वो कहीं और जाके बस जाती है और वहाँ पे नई पॉपुलेशन लाती है। बॉटलनेक इफेक्ट में ऐसा होता है कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया और पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा गिर गया, थोड़े से ही बचे, मतलब 100 थे पहले तो 5 ही बचे, तो तब भी जीन प्रोड्यूस हो रहा है, एलीलिक फ्रिक्वेंसी का जो डाइवर्सन होता है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 80% ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ आर। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेमेटोड्स। जी क्या होया, बस तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 42, 80% ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ नेमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 43, जूनोसिस मींस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनिमल डिजीज ट्रांसमिटेड टू मैन। ओके, तो जूनोसिस जो होता है उस फिनोमेनन को बोलते हैं जिसमें जो डिजीज होती है वो जनरली एनिमल्स की होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, परंतु कभी कभी वो जंप करके आदमियों में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रिसेंट में जो COVID-19 है उसमें जो बोला गया है कि वो बैट्स की डिजीज़ है परंतु वो आदमियों में आ गई है, वैसे ही अगर हम पास से एग्जाम्पल देखें तो जैसे एंथ्रेक्स है वो थी कौ डिजीज़, पहले जो थी वो कौज में ही होती थी, वैसे ही रेबीज हो गया वो रोडेंट्स की डिजीज थी, वैसे ही बहुत सारे डिजीज हैं और उस फिल्म को बोलते हैं हम जूनोसिस। क्वेश्चन नंबर 44, दोज कैंसर व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर नोन एज कार्सिनोमास। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्सिनोमास, और ल्यूकीमिया को उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, WBC के जो कैंसर को बोलते हैं वो बोलते हैं ल्यूकीमिया, माइलाइट जो बोलते हैं वो होते हैं बोन मैरो के कैंसर को, सार्कोमास बोलते हैं हम मसल सेल्स के कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 45, हिस्टामिन इज सीक्रेटेड बाय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मास्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 46, इफ टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज। तो ये भी स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1/4। अगर आपको नहीं आता हो तो वैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे दो कॉइन है मान लें हमारे पास, तो इसको टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटी, और हेड हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी में से, 4 पॉसिबिलिटी में से, 1/4।
क्वेश्चन नंबर 47, द रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिनोटेड बी शैल बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, द नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू 0.05। तो ये जो है ये भी हमारा स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, वो जो होती है वो पी वैल्यू पे कैसे डिपेंड करती है, ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड अगर हमारे पास पी की वैल्यू जो होती है वो 0.05 के बराबर या इससे कम होती है तो जो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे पूछा है नॉट अफेक्टेड बाय, तो हार्डी वेनबर्ग जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमारे पांच फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है हमारा लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, सेकंड फैक्टर है कि कोई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, थर्ड फैक्टर है कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, फोर्थ फैक्टर और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। तो नॉट अफेक्टेड लिखा है तो ये तीन तो अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 49, द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप विद इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, ये भी आसान सा क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फूड वेब। फूड चेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, वन डायरेक्शनल होती है जनरली फूड चेन जो होती है। अगर बहुत सारी फूड चेन्स हमारी मिल जाएँ तो उसे बोलते हैं हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, उसको बोलेंगे हम फूड वेब। 50 जो क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द इंटरफेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एस फेज। इस एस फेज में जो होता है वो सिंथेसिस होती है डीएनए की। जी टू फेज में क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जी वन फेज में क्या होता है, जी वन फेज में होता है एनलार्जमेंट ऑफ द सेल। एम फेज में जो होता है वो डिवीजन होता है सेल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, द टाइप ऑफ पार्थोजेनेसिस वेयर ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस इज नोन एज। इसका जो आंसर होगा वो होगा थैलीटोकी। इसमें जो होता है सॉरी थैलीटोकी नहीं होगा गलत बोल दिया इसमें जो आंसर होगा वो होगा अरहिनोटोकी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो होता है वो मेल्स ही बनते हैं, थैलीटोकी में जो होता है वो फीमेल्स ही बनते हैं। एम्फीटोकी में दोनों बन सकते हैं, मेल बन सकता है और फीमेल भी बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो अरहिनोटोकी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द कंपटीशन बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन देखने में गलत लग रहा है क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो या तो एक स्पीसीज के एनिमल्स के बीच हो सकता है या तो दूसरी स्पीसीज के एनिमल्स के बीच हो सकता है, तो उनको बोलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। परंतु एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एनिमल्स के बीच कंपटीशन नहीं होता है। परंतु अगर हम देखा जाए तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एनवायरमेंटल स्ट्रगल, क्योंकि ना तो इंट्रा स्पेसिफिक है ना इंटर स्पेसिफिक है ना इकोलॉजिकल स्ट्रगल है। इकोलॉजिकल स्ट्रगल जो होता है वो जब कोई दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज जो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उसके लिए स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जो स्ट्रगल करते हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो एनवायरमेंटल स्ट्रगल होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड्स इज लोकलाइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिपिड बायलेयर से बनी हुई,
अब वहाँ पे जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड पे भी और इनर साइड पे भी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलीन फॉस्फोग्लिसराइड। ये जो होता है हमारा आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है। बाकी जो हमारे तीन बचे ये जो होते हैं हमारे इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन की। क्वेश्चन नंबर 54, द स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन इज यूज्ड टू मेजर। तो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन से हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा हम द बोथ ए एंड बी, डिस्पर्सन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन भी मेजर कर सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम द एवरेज भी मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन 55, हाइब्रिडोमास आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लिम्फोसाइट्स एंड ट्यूमर सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मेन रिजर्वायर फॉर बेलेंटीडियम कोलाई इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पिग। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर द नेक्टर इज कन्वर्टेड इन टू हनी। तो जो नेक्टर होती है वो हमारी वर्क बीज लाती हैं और वही जो है हनी बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ऑप्शन डी 5th जून। क्वेश्चन नंबर 59, लैमार्किज्म थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे आसान क्वेश्चन, विच व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसका जो आसान सा तरीका है वो होता है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली कैट्स सिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो आई डोंट नो, पर मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑक्टोकिटोनिया। जो ये जो अर्थवर्म स्पीसीज होती हैं वो हमारी न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं और ये जो होती है वो इनवेसिव नहीं होती है। ईयूडिलस जो होता है वो अफ्रीकन अर्थवर्म होता है और ये बहुत ही इन्वेजिव स्पीसीज है। बाकी जो लैम्पिटो और पेरियोनिक्स है वो हमारी इंडियन स्पीसीज है। ये हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है, ये हमारी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो एज सच मुझे कोई आंसर मिला नहीं, परंतु मोस्ट प्रोबली इसका आंसर होगा सी, ऑक्टोकिटोना, जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, वट इज द नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल लोड ऑफ द CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। तो इनका जो मेन काम होता है ये होता है दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है हेल्प्स बी लिम्फोसाइट टू डिवॉल्व टू द प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन ए, क्योंकि ये खुद किल नहीं करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ना ये स्क्रीट करता है एंटीबॉडीज, ना रिजेक्ट करता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को। क्वेश्चन नंबर 63, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा सिबलिंग स्पीसीज। तो इसमें जो एलोपेट्रिक स्पीसीज होती हैं वो बनती हैं जब कोई हमारे अंदर स्पीसीज के अंदर जो होता है वो जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। सिम्पेट्रिक में जो होता है वो सिम्पेट्रिक स्पीसीज में जो होता है वो जियोग्राफिकल बैरियर तो नहीं आता है, परंतु कुछ सर्टेन चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पॉलीप्लाइडी होगी प्लांट्स में तो वो डिफरेंट हो जाती हैं स्पीसीज, तो उन्हें सिम्पेट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। सिबलिंग स्पीसीज जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होती हैं, परंतु रिप्रोडक्टिवली जो होती है वो आइसोलेटेड होती हैं थ्रू आई थिंक बिहेवियर इनकम्पेटिबिलिटी एंड ड्यू टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सीजन्स एट्सेट्रा, देर कैन बी सो मैनी कॉजेस।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सिबलिंग स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 64, सीरियल रिपीटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन सेगमेंट्स इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा मेटामरिज्म। मेटाजेनेसिस आप सबको पता है कि जब कैंसर जो होता है वो स्प्रेडिंग कैंसर होता है उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं हम। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो हम इंसेक्ट में पढ़ते हैं। ड्रेस्टिक फिजिकल चेंज होता है, जैसे प्यूपा से बटरफ्लाई बन रही है। क्वेश्चन नंबर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस जो होता है वो होता है स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग से रिलेटेड है, स्प्रेडिंग डिजीजेस समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 65, विच माउथ पार्ट ऑफ द हनी बी इज यूज टू होल्ड बैक्स एंड अदर पोलन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लेब्रम। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर शोज द क्रिस्को क्रॉस इनहेरिटेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोफीलिया डिजीज। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो वो होगा कलर ब्लाइंडनेस, वो भी जो होता है हमारी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो होता है वो फादर जो होता है वो डॉटर को ट्रांसफर करता है ट्रेट, और मदर जो होती है वो सन को ट्रांसफर करती है। क्वेश्चन नंबर 67, अ चाइल्ड सफर फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये जो होता है वो इन्फेंट एनीमिया भी बोलते हैं हम इसे। इसमें जो होती है वो मदर आरएच नेगेटिव होती है और फादर जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो होता है वो इनकम्पेटिबल हो जाता है, जो मदर की बॉडी है वो फिटस के ब्लड के अगेंस्ट जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं और उसके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है और कई बार डेथ भी हो जाती है। बुबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लीज। क्वेश्चन नंबर 69, इन सर्कुलेटरी सिस्टम मैक्सिमम सरफेस एरिया सीन इन कैपिलरीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, कंपाउंड हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल कॉन्फिगरेशन आर आल्सो नोन एज। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स। इनमें जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है परंतु जो स्पेशल कॉन्फिगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो इनके ही फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे एन ऑप्टिकल आइसोमर हो गया वो भी स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप है। हमारे पास जैसे एनोमर्स हो गया, एपीमर्स हो गया, एपीमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन एट अ सिंगल स्ट्रेंथ, सिंगल जो होती है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं इनकी पोजीशन में, एपीमर्स की पोजीशन में। एनोमर्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया एनोमर्स का हमने, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसमें जो होता है वो एक ओएच की पोजीशन चेंज होगी, उनको बोलते हैं हम एनोमर्स, और एनोमर्स से ही एपीमर्स बने हुए होते हैं जो सिंगल स्टीरियो जेनिक सेंटर पे चेंज होगी पोजीशन पे, स्पेशल पोजीशन चेंज होगी एटम्स की। तो इसका जो जनरल आंसर हुआ वो हुआ स्टीरियो आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 71, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर कॉरेस्पोंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ओगिब। ओगिब जो कर्व बनता है हमारे पास, जैसे ये मान लिया हमारे पास ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम यहाँ पे क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे लेते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो जो ग्राफ प्लॉट हुआ उसे बोलते हैं हम ओगे। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज रास? तो रास जो होता है वो रेड सार्कोमा वायरस से लिया गया जो वर्ड है रास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, अ स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपेज स्विच प्रोटीन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ऑप्शन बी। 74, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, किस में नहीं होता है? जो होता है एग वाइट में नहीं होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, कॉमन फीचर्स बिटवीन परिफेरा नाइडेरिया टीनोफोर एंड प्लेटी हेलमेट्स इज अब्सेंस ऑफ सिलो सिलो। ओके, जो प्लेटी हेलमेट्स टीनोफोर नाइडेरिया और परिफेरा है में जो होता है वो सिलो नहीं होता है। नेमेटोड्स में जो होता है वो सीडोसोम आया था, उसके बाद जो है वो सभी में सिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एम्फीबियंस शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या नहीं होता है इसमें? जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है एम्फीबियंस में, ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनमें जो होती है वो रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती नहीं है और ना ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वल फॉर्म्स होना। तो एम्फीबियंस में जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, परंतु ये जो चीज़ें हैं वो रेप्टाइल्स में नहीं होती। रेप्टाइल्स डायोशिस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, वेंट्रल हॉट होता है, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मल होते हैं। द राइट आंसर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है रेप्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 77, इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? ऑप्शन सी फिशेस। मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी बोलते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, फिशेस की स्टडी को इक्थियोलॉजी बोलते हैं, एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं एम्फीबियन और रिप्टाइल्स की कलेक्टिव स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटीमोफिली। ऑप्शन नंबर ए। 79, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। लेशमेनिया डोनो बनी जो होता है वो हमारा काला अजर कॉज करता है। एंटामोबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो डायसेंट्री वगैरह कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एडीएच को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। हॉर्मोन्स आर बेसिकली सिक्रेटेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ, तो हमने पीछे भी पढ़ा, इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ये जो होता है वो पारस नर्वोसा जो पार्ट है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके थ्रू जो होता है वो इन दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। तो ये था हमारे पीएसटी जियोलॉजी का एंट्रांस एग्जाम एचपीयू का। तो डिफ़िकल्टी के मामले में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आराम से आपके 60 से 65 मार्क्स के बीच नंबर बन रहे हैं बिना किसी परेशानी के। थैंक यू वेरी मच।